गुड आफ्टरनून मिस्टर। हेलो, आवाज आ रही है आरती? हेलो, हेलो 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 यस सर, आ रही है आवाज। हेलो। ओके, कुछ चलिए स्टार्ट करते हैं ओरिकल की क्लास। ओरिकल की क्लास में इस समय हम पढ़ रहे थे स्टूडेंट सब क्वेरी। हमने बहुत सारी सब क्वेरी सीखी थी, जिसमें से हम सिंगल रो सब क्वेरी सीखा, मल्टी रो सब क्वेरी सीखा और मल्टी कॉलम भी। मैंने तीन कैटेगरी की सब क्वेरी बताई थी, सिंगल रो सब क्वेरी, मल्टी रो सब क्वेरी और मल्टी कॉलम सब क्वेरी। तो आज और तीन क्लासेस मैंने बताए थे, वायर क्लास के साथ सब क्वेरी, फ्रॉम क्लास के साथ, साथ में हैविंग क्लास के साथ। तो उसी के आगे आज देखते हुए सब क्वेरी, हमने यहाँ तक की सब क्वेरी सीख ली थी स्टूडेंट, और आज हम बात करने वाले वायर क्लास और इसके आगे की। वायर क्लास के भी बहुत सारे एग्जांपल हमने सीखा है। सब क्वेरी विल बी फाउंड द वायर क्लास, सब क्वेरी आल्सो कॉल्ड द नेस्टेड सब क्वेरी। जब सब क्वेरी के अंदर वायर क्लास यूज किया जाता है तो नेस्टेड सब क्वेरी कहलाएगी आपकी स्टूडेंट। जैसे यहाँ समझिएगा, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑल टेबल, जितना देना है हमको टेबल्स, वायर टेबल टाइप डॉट टेबल का नाम इन, और यहाँ पे जो आपकी सब क्वेरी है सेलेक्ट कॉलम नेम टेबल नेम फ्रॉम टेबल कॉलम नेम और वेयर कॉलम नेम इक्वल, यहाँ पे हमने वेयर क्लास यूज किया, इसलिए ये क्या कहलाएगी वेयर क्लास की बोली। ओरिकल अलाउ अप टू द 255 लेवल ऑफ द सब क्वेरी इन द वेयर क्लास। वेयर क्लास में ओरिकल जो अलाउ करता है 255 आपकी लेवल सब क्वेरी। फ्रॉम क्लास ये भी हमने देखा स्टूडेंट, सेलेक्ट डिपार्टमेंट नंबर सैलरी टोटल फ्रॉम डिपार्टमेंट, ये ग्रुप बाय, इसमें हमने कहीं भी वायर क्लास की यूज ना करके फ्रॉम का यूज किया तो फ्रॉम क्लास के अकॉर्डिंग क्वेरी बन जाती है। ये सारे एग्जांपल हमने सीखे हैं स्टूडेंट। देखिए मैं एक एग्जांपल इसका दिखा रहा हूं फ्रॉम क्लास का। इसके लिए हम ओरिकल ओपन कर लेते हैं। देखिए इसको थोड़ा सा समझिएगा, सेलेक्ट डिपार्टमेंट नंबर सब क्वेरी वन, इसका नाम हमने दिया सब क्वेरी वन डॉट टोटल, डिपार्टमेंट नंबर का टोटल निकाला फ्रॉम कहां से, डिपार्टमेंट से, डिपार्टमेंट टेबल से हमने उसका टोटल निकाल लिया डिपार्टमेंट नंबर के आधार पे और वहां पे प्रिंट कराया टोटल के नाम से। इसके बाद हमने सब क्वेरी यूज किया स्टूडेंट, सेलेक्ट ई एम पी टेबल, इसमें दो टेबल अब हम यूज कर रहे हैं, एक डिपार्टमेंट है एक ई एम पी टेबल है स्टूडेंट। ई एम पी टेबल से डिपार्टमेंट नंबर और सम कराया एम्प्लॉय की सैलरी, यहाँ पे क्या सम कराया एम्प्लॉय की सैलरी को, और टोटल अमाउंट फ्रॉम ई एम पी टेबल ग्रुप बाई डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट नंबर के अकॉर्डिंग हमने इसका क्या निकाला स्टूडेंट सैलरी। पहले तो ये हमारी क्वेरी रन होगी और इसके बाद जब ये क्वेरी का रिजल्ट हमको मिल जाएगा तब देखिए हमने यहाँ पे फ्रॉम क्लास यूज किया है, फ्रॉम के अंदर हमने सब क्वेरी यूज किया है। आप पे ध्यान दीजिए, यहाँ सेलेक्ट करा रहे हैं डिपार्टमेंट नंबर डिपार्टमेंट टेबल से कामा सब क्वेरी वन, हमने लिखा कि सब क्वेरी वन से आपको क्या निकालना है टोटल अमाउंट। ओके,
उसका नाम दिया हमने टोटल अमाउंट फ्रॉम डिपार्टमेंट। अब सब क्वेरी हमने यहाँ पे लगा दिया, सब क्वेरी से क्या निकलेगा, डिपार्टमेंट नंबर और सम सैलरी निकलेगी, टोटल अमाउंट जिसका नाम होगा टोटल अमाउंट फ्रॉम ईएमपी ग्रुप बाय डिपार्टमेंट, यानी कि ग्रुप बाय डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग टोटल अमाउंट निकल करके आ जाएगा। इसके बाद ये देखिए कामा लगा था, एक कामा एज ए फील्ड काम किया, फिर हमने ब्रैकेट बंद किया, सब क्वेरी वन इसका नाम दिया, और फिर इसके बाद वेयर क्लॉज हमने लगाया स्टूडेंट, सब क्वेरी वन डॉट डिपार्टमेंट नंबर, यानी कि पहली जो क्वेरी थी हमारी उसका डिपार्टमेंट नंबर इक्वल डिपार्टमेंट डॉट डिपार्टमेंट नंबर और डिपार्टमेंट टेबल दोनों को मिला करके। तो यहाँ पे डिपार्टमेंट टेबल में जितने भी डिपार्टमेंट हैं और यहाँ पे उससे रिलेटेड जितने भी टोटल सैलरी है उनको कैलकुलेट करके इसमें डिस्प्ले कर। ऐसे ही यदि हम देखें स्टूडेंट तो फायर क्लास के को भी हम यूज कर सकते हैं, मतलब जहां पे वेयर क्लॉज लगता है वहां पे हम क्या बना सकते हैं, सब क्वेरी। जहां पे फ्रॉम क्लॉज यूज हो रहा है वहां हमने क्या बनाया, सब क्वेरी। ये हमने निकाला पूरी इसकी डिटेल आपके सामने। अब आवाज आ रही, आकांक्षा आवाज आ रही? आवाज नहीं आ रही क्या? ओके यस सर अब आ रही हूँ। तो वेयर क्लॉज भी हम यूज कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे हमने सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑल टेबल सेलेक्ट किया टाइप नाम से, वेयर टाइप डॉट टेबल नेम इन, और यहाँ पे सब क्वेरी कॉल किया सेलेक्ट कॉलम डॉट कॉलम नेम फ्रॉम ऑल टेबल कॉलम जितने भी है वेयर कॉलम डॉट ई नेम, ई नेम जो है वो कॉलम आपने सेलेक्ट किया। सेलेक्ट क्लास हम यूज कर सकते हैं, सेलेक्ट जैसे ओनर है टेबल नेम है सेलेक्ट काउंट टोटल नंबर ऑल द कॉलम जितने भी ओनर है, ये देखिए मैं पूरी क्वेरी आपको रन करके दिखा रहा, कितने आपके ओनर है सिर्फ और भी ज्यादा जितने टेबल होंगे सभी दिखा, ये देखिए ऐसा किए किस यूजर के अंदर कौन सी टेबल बनी है ये हमको देखना चाहते हैं, सब क्वेरी टू काउंट करके ये देखिए बता ऐसा किए के अंदर डिपार्टमेंट थ्री एमपी एट ये डेमो जो भी आपकी टेबल बनी हुई, हमने एसटी टेबल बनाया था तीन बी एमपी अलग अलग सेलेक्ट ओनर नेम सेलेक्ट टेबल नेम ऐसे सेलेक्ट करा सकते हैं, सब क्वेरी काउंट कराया कॉलम उसमें कितने कॉलम है काउंट करके बता रहा है जो टोटल कॉलम फ्रॉम टोटल सब क्वेरी और कॉलम्स नेम डॉट ओनर और ओनर नेम ये सेकंड ऑल सब टेबल्स की सभी कॉलम और टोटल नेम बता रहा। इस प्रकार से इनका यूज कर सकते हैं स्टूडेंट। अब देखा जाए तो जो सब क्वेरी हमने यूज किया स्टूडेंट वो डुअल के साथ तो मैंने आपको अलग अलग बताया ही था यूज, आप डुअल के साथ अलग अलग इसको यूज कर सकते हैं, कोई भी कैलकुलेशन का काम आपको करना है डुअल के साथ कर सकते हैं, डिस्क्राइब कर सकते हैं।
ये हम पढ़ चुके हैं डुअल के साथ वर्क करना। अब मैं मेन पॉइंट पे आता हूँ स्टूडेंट। आपने जो क्वेरी सीखी, मैंने क्वेरी के थ्री टाइप बताए थे स्टूडेंट, तीन टाइप में से दो टाइप तो आपने सीख लिया स्टूडेंट। जैसे मैं आपको यहां बताना चाहूंगा, एक तो मल्टीपल रो बताया था हमने और एक सिंगल रो बताया था कि सिंगल रो पे काम करे, और एक बताया था सब क्वेरी विथ मल्टीपल कॉलम। तो हमने सिंगल रो सीख लिया था, मल्टीपल रो सीख लिया था। अब जो हमको स्टूडेंट सीखना है वो क्या सीखना है, मल्टीपल कॉलम। मल्टीपल कॉलम्स की क्वेरी कैसे यूज की जाती है वो देखते हैं। तो मल्टीपल कॉलम की यदि हम बात करें स्टूडेंट, तो एक से अधिक कॉलम, जैसे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्टी वेयर सेल और एमजीआर, यहाँ पे हम दो कॉलम सेलेक्ट कर रहे हैं सेल और एमजीआर, लेकिन ऐसे यदि आप यूज करोगे इनवैलिड रिलेशनशिप बताएगा। आप दोनों सेलेक्ट नहीं कर सकते हो क्योंकि कंडीशन जो लगती है कि एक में लगेगी ना, या तो सैलरी पे या तो एमजीआर पे। इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं देखिए, आइए देखते हैं। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एमपी वेयर सेल कॉमा एमजीआर इक्वल सेलेक्ट, जो भी आप नंबर देंगे 3000 सैलरी हुआ, एमजीआर नंबर 75% फ्रॉम डुअल लिख देंगे तो ऑटोमेटिक उसको सेलेक्ट कर देंगे। यानी कि हमको इसको कहीं ना कहीं डुअल टेबल का सहारा लेना पड़ेगा। देखिए ये देखो, यहाँ पे आप यदि आप डायरेक्ट लिखते स्टूडेंट, यानी कि सब क्वेरी से हमने क्या सेलेक्ट किया, सेलेक्ट 3000 सैलरी और 7566 आपने क्या सेलेक्ट किया एमबीआर नंबर डुअल के माध्यम से, फिर इसको हमने कंपेयर करा लिया। यदि डुअल की जगह आप यहाँ स्टूडेंट ईएमपी लिख देते तो भी प्रॉब्लम था। तो देखिए यहाँ सिंगल रो सब क्वेरी रिटर्न मोर देन रो, सिंगल रो क्वेरी मोर देन, इसलिए हमको यहाँ क्या यूज करना पड़ेगा डुअल। अब आप किसी को भी सेलेक्ट करा सकते हैं। मान लीजिए ऐसी कोई सैलरी लिख देते जो मैच ही नहीं करती, तो कोई बात नहीं, नो डेटा फाउंड बताता, जिसका नंबर ये हो और सैलरी भी ये हो, कोई डेटा नहीं है ऐसा। ये देखो नो डेटा फाउंड, इसलिए आपको मालूम होना चाहिए स्टूडेंट कि आपके उसमें टेबल में कितने रिकॉर्ड हैं और उनकी सैलरी और उनका अकाउंट नंबर कितना है, उस आधार पे हम इसको निकाल सकते हैं। जैसे 75 और 21 है और इसकी सैलरी जो है 1250 है। देखिए इसको मैं निकालता हूँ, 1250 21 था शायद, नहीं कुछ गड़बड़ हुआ, मैच नहीं किया, 7521 एमजीआर नंबर देना है हमको। एमजीआर नंबर हमारा था मान लीजिए 7521 और 698, सेवन सिक्स नाइन एट। अब आपका रिकॉर्ड मिल जाएगा, इस तरीके से आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेरी, आप इसके अंदर मिनिमम निकालना चाहते हैं, फिर सब क्वेरी आप कैसे भी निकाल सकते हैं। सेलेक्ट मिनिमम फ्रॉम द वेयर सैलरी, और फिर इसके अंदर हमने सब क्वेरी लगाया सेलेक्ट मिनिमम फ्रॉम द ईएमपी,
यहाँ से मिनिमम सैलरी निकालेगा, फिर उसको चेक करेगा कि यदि उससे सैलरी ज्यादा है, फिर इससे एमजीआर और इससे चेक करेगा कि यदि सैलरी बराबर है तो जाके कहीं रिकॉर्ड आपका क्या करेगा स्टूडेंट। इस क्वेरी को भी मैं बता देता हूँ, ये सबसे पहले इसमें मिनिमम सैलरी सेलेक्ट किया, उस सैलरी को चेक किया गया कि ईएमपी की वो सैलरी किससे अधिक है, ठीक है, मिनिमम सैलरी ये आपके निकल कर आई, फिर मिनिमम सैलरी चेक कराया, सेलेक्ट मिनिमम सैलरी फ्रॉम ईएमपी हो सैलरी ग्रेटर देन है, और फिर इस सैलरी से भी वो मैच करती है तो कार्ड को क्या किया डिस्प्ले। एक तो सब क्वेरी ये बनी, फिर उसके अंदर ये सब क्वेरी बनी, फिर उसके अंदर ये सब क्वेरी बनी, यानी कि कई सब क्वेरी हमने यूज किया, मल्टीपल सब क्वेरी को हमने यूज किया और मल्टीपल कॉलम भी यूज किए। देखिए सेल एमजीआर इधर भी है, सेल एमजीआर यानी कि एक से अधिक कॉलम भी हमने यूज किया और मल्टीपल क्वेरी भी यूज किया, तो ऐसे हम मल्टीपल कॉलम और मल्टीपल क्वेरी को क्या कर सकते हैं यूज कर। ये तो नॉर्मल क्वेरी है स्टूडेंट जो हम सीख चुके हैं, आपको मालूम है इनके साथ यूज करना, मैक्सिमम सैलरी को निकालना, मिनिमम सैलरी को निकालना, बिटवीन ऑपरेटर को यूज करना, ये भी आपको मालूम है। अब देखिए जैसे ये है, लेकिन इसके लिए हमको कहीं ना कहीं टेबल बनानी पड़ेगी सेल ग्रेड नाम की, और उस टेबल को यूज करना पड़ेगा। इसमें चेक कर लेते हैं टेबल हमारी बनी है कि नहीं, नहीं है, देखिए ये टेबल हमारे पास अवेलेबल नहीं है। मैं एक टेबल जो अपने पास बनी है इसके इसको दिखा देता हूँ, उसमें सेलेक्ट एमपी नंबर नेम सैलरी। अब जो सैलरी है उस सैलरी को हम चाहते हैं कि वो उसमें 12 12 का मल्टीप्लाई हो जाए एज ए एनुअल सैलरी निकाला, यानी कि सैलरी हमारी वो मंथली है, अब हम चाहते हैं कि साल भर की सैलरी कितनी होगी साइड में पता चल जाए, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। यदि पूरे एम्प्लॉय की देखना है तो हायर कंडीशन हटा देते हैं, तो देखिए तो रन किया, तो देखिए आप ऐसे चेक कर सकते हैं, ये आपकी सैलरी थी 5000 पर मंथ पा रहा है, और यदि साल भर की बात करें तो उसको कितनी मिलेगी 60,000 रुपए, 2850 रुपए पर मंथ पा रहा है, साल भर में वो कितना पाएगा 34,200। इस प्रकार से बहुत आसानी के साथ आप उसको निकाल सकते हैं स्टूडेंट। और इसी में यदि हमको कंडीशन चाहिए जो हमने निकाला एनुअल सैलरी, अब हमको ये चेक करना है कि साल भर की हमने सैलरी निकाला और फिर हमें ये देखना है कि हमारे यहाँ 30,000 से अधिक पाने वाले कौन कौन से लोग हैं। हमारे पास टेबल में मंथली सैलरी अवेलेबल है, हम उससे क्या निकाल रहे हैं साल भर की सैलरी निकालें और फिर चेक करें कि उससे 30,000 से अधिक पाने वाले कौन से लोग हैं। देखिए तो जो एनुअल सर है ये देखिए इस तरीके से आप डायरेक्ट यहाँ पे, ये कोई आपकी फील्ड तो है नहीं स्टूडेंट, यहाँ पे आपने क्या लगा दिया कंडीशन, ये कंडीशन आपकी डायरेक्ट तो वैलिड होगी नहीं, इसके लिए देखिए आपको क्या करना पड़ेगा। इस तरीके से कुछ इसको क्रिएट करना होगा सब क्वेरी के रूप में, सेलेक्ट नेम सेल और एनुअल सेल, यहाँ पे जो एनुअल सेल है इसके लिए हम यहाँ पे सब क्वेरी बनाएंगे सेल और ये एनुअल सेल ईएमपी, फिर वेयर एनुअल सेल हम इसको चेक कराएं। ये देखिए अब ये 30,000 से ऊपर वाले बताएगा,
देखिए यहीं पे मैंने उस क्वेरी को चेंज कर दिया कि एमपी नंबर ई नेम सेल एनुअल, यहाँ पे हमने नाम दिया एनुअल और फॉर्म, फिर यहाँ पे सब क्वेरी हमने लगाया स्टूडेंट सेलेक्ट एमपी नंबर नेम सेल कामा सैलरी इनटू 12 एज एनुअल, इसका नाम हमने क्या रख दिया एनुअल रख दिया फ्रॉम एमपी और फिर इसको हमने चेक कर दिया। ये क्वेरी हमारी पहले रन होगी स्टूडेंट इस तरीके से, देखिए अब सेल आपके पास है नहीं कोई सैलरी, देखिए जो जो फील्ड हमने वहां लिया है वो फील्ड हमको यहाँ स्पेसिफाई करना पड़ेगा एमपी नंबर ई नेम सैलरी और एनुअल, इस एनुअल में अभी कोई रिकॉर्ड नहीं है, हमने यहाँ फील्ड स्पेसिफाई कर दिया टेबल पे रिकॉर्ड बना नहीं ये फील्ड तो है नहीं, तो यहाँ पे इसके डेटा तो टेबल से मिल जाएगा, इसका डेटा टेबल से मिल जाएगा, इसका मिल जाएगा, लेकिन इसका डेटा कहाँ से लेगा इस सब क्वेरी से लेगा, और इसका नाम हमने दे दिया एज ए एनुअल फ्रॉम एमपी टेबल और फिर इसी से हमने कंडीशन बना दिया स्टूडेंट okay? तब हम इसको आसानी के साथ यूज कर सकते हैं, बहुत यूजफुल क्वेरी है। तो ठीक है स्टूडेंट इतना आप प्रैक्टिस करिएगा फिर आगे कल और बताते इसमें, अभी कई सब क्वेरी ऐसी हैं जो आपको बहुत अच्छे वर्क करने के लिए परफॉर्म करने के लिए यूज की जाएंगी, आप कोई भी सॉफ्टवेयर यदि बनाते हैं तो उसमें सब क्वेरी का इम्पोर्टेंट रोल होता है। तो आज की क्लास में यहीं पर क्लोज करता हूँ।